ओम शांति। यही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे परमात्मा से जो पाठ पढ़ाऊंट आम समस्ते स्टूडेंट आम एठक पाठ पढ़ी आसी था किंतु आश्चर्यजनक कथा जे परमात्मा कहते हूँ भी गोटे दुकान मध्य दुकान रे अनेक जिनस मिली थाए कौन जोटा कि आम समस्त को दरकार। परमात्मा महिमा अनेक अच्छी। परमात्मा होती शांतिर सगर, प्रेमर सगर, आनंदर सगर, दुखहर्ता सुखकर्ता, कल्याणकारी, पतित पावन, अनेक महिमा अच्छी। से ही महिमा जो अच्छी परमात्मा से भली आम समस्त को पुणी तो सेमती बनैबे ना जेपरी टीचर सेपरी स्टूडेंट मान को से शिक्षा दे था। तो यही दुकान आमको कौन मिल सुख शांति आनंद स्नेह प्रेम पवित्रता सब किछि भरपूर मात्रा रे मिले। आउ परमात्मा होती दोकानी आउ आमे आसीचु एही दोकान को नेबा पई देला वाला सब किछि दउछंती फ्री रे आउ कहउछंती तुम्हें जहाँ नेबा कथा निय भंडार खोला अछि किंतु नेला वाला थकी जाउछंती काहेकि ना माया बेले बेले पाख को आमर पलै आसुची। आमे समस्ते प्रतिज्ञा करि थाउ भगवान को पाखरे कि भगवान मु आउ क्रोध करिबि नाही, मु आउ काहाकु भी मध्य रागिबि नै, मु भल कथा कहिबि, मु विकारग्रस्त हेबि नाही। एमिति आमे अनेक प्रकार प्रतिज्ञा करि थाए किंतु माया बिलै पुणी पलै आसी थाए आम पाखु आउ पुणी खराब कर्म आम द्वारा कराई थाए। से सावधान होबार उचित एवं निजर कर्म उपरे आम ध्यान देवा उचित। ताहले जाए ए दुकान रु आम अनेक सामान नहीं पारिबा। खुला भंडार भरपूर होकर अच्छी भगवान एबे खोली देछंती भंडार। आसंतु आज परमपिता परमात्मा आज कौन आमको सुनाउछंती, आमको कौन दरकार एवं आमे कौन नौछु, कौन छाड़ीबा उचित, कौन नेबा उचित, से विषय आसंतु आज आम शुणा महावाक्य 23 एप्रिल 2021 साकार महावाक्य। आज बाबा कहते मीठे बच्चे यह बाबाकर आश्चर्यजनक दुकान जो सब प्रकार जिनस मिली थाए से ही दुकान तुम्हें माने ही मालिक अट। आज प्रश्न है एही आश्चर्यजनक दोकानी केही भी नकल करिपारिबे नाही काहेकि बाबा को उत्तर हैला काहेकि ना से निजे ही सर्वसंपत्तिर भंडार अटंती। ज्ञान सुख शांति पवित्रता सबु धीरे सागर अटंती। तेणु जहाकु जहा दरकार ताहा एठारे मिली पारिब। निवृत्ति मार्ग पाखरे एही जिनिष सबु मिली पारिबो नाही। तेणु केही भी निजकु बाबांको समान सागर कही पारिबे नाही। आजिरो गीत हैला तुम्हें पाके हमने जहाँ पालिया है, जमीन तो जमीन आसमान भी पालिया। ओम शांति। एबे पिला माने अविनाशी पितांको सम्मुखरे बसिछंती। एहांकु बेहदर पिता मध्य कुहाजीब एवं बेहदर दाता मध्य कुहाजीब। बेहदर पिला माने बसिछंती एवं बाबा बेहदर ज्ञान देउछंती। हदर कथा सबु एबे समाप्त होइगला। एबे बाबांको ठारु बेहदर संपत्ति नेबार अच्छी। एहा ही एकमात्र दुकान मनुष्य मानंकु जणा नाही जे आमे कोन चाहूचु। बेहदर पितांकर दुकान तो बहुत बड़। तांको कुहा जाए सुखर सागर, पवित्रतार सागर, आनंदर सागर, ज्ञानर सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, पतित पावन, ब्रह्मा विष्णु शंकर रचयिता, अनेक महिमा अच्छी। केही केही दुकानी थांती तांको पाखरे भिन्न भिन्न प्रकार जिनिष थाए। तेबे ये हेले बेहदर पिता। एहांको पाखरे मध्य भिन्न भिन्न प्रकार जिनिष अच्छी। कौन कौन अच्छी? बाबा ज्ञानर सागर,
सुखर सागर शांतिर सागर अटंती। तांका पाखरे एही आश्चर्यजनक अलौकिक जिनिष अच्छी। पुणी गायन मध्य करा जाउची सुख दुख हर्ता सुखकर्ता। एहा ही एकमात्र दोकान, आउ तो कहार एभली दोकान नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंक पाखरे कौन जिनिष अच्छी? किछि भी नाही। सबुठारु श्रेष्ठ जिनिष बाबांक पाखरे अच्छी। सेथिपाई तांकर महिमा गायन हेउची। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एइभली महिमा केबे कहार गायन हुए नाही। मनुष्य शांति पाई चतुर्दिगरे घूरी बुलुछंती। काहा को औषध दरकार, काहा को आउ कौन दरकार, ताहा सबु हेला हद्र दुकान। सारा दुनिया रे समस्तंक पाखरे विनाशी जिनिष अच्छी। ये एकमात्र पिता जहांक पाखरे अविनाशी जिनिष अच्छी। सेथिपाई तांकर महिमा मध्य गाउछंती जे पतित पावन मुक्तिदाता ज्ञानर सागर आनंदर सागर अटंती। एहा सबु हेला भेराइटी सामग्री। जदि एहार तालिका लेखिबा तेबे बहुत होइजिबो। जेऊ बाबांक पाखरे एही सबु जिनिष अछि तांकर पिलामानंकर मध्य से सबु जिनिष उपरे अधिकार अछि। किंतु ए कथा बुद्धिरे आसु नाही जे जेबे एही भली पितांकर आमे संतान, तेबे पितांकर जिनिष उपरे आमे मालिक हेबा दरकार। बाबा आसुचंती मध्य भारत को। बाबांक पाखरे जेउ सबु जिनिष अछि सिए निश्चित सेथिरे नै आसिबे। तांक पाखकु आणिबा पई त तुमे जाई पारिबो नाही। बाबा कहउचंती मते आसिबाकु पडिथाए। कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे मु आसी तुमकु सबु जिनिष देई जाउछि। मु तुमकु जेउ जिनिष सबु देउछि ताहा आउ केबे मिलि पारिबो नाही। तेणु अधा कल्प पई तुमर सबु भंडार भरपूर होई जाउछि। एभली कौनसी अप्राप्त वस्तु अभाव रहु नाही जहाँ पाई पुणी डाकिबाकु पड़िबो। ड्रामा प्लान अनुसारे तुमे समस्ते संपत्ति नेबा परे पुणी धीरे धीरे 84 जन्मर सीढ़ी तलकु खसी थाओ। पुनर्जन्म मध्य निश्चित नेबाकु पड़िबो। 84 जन्म मध्य नेबाकु पड़िबो। समस्ते 84 चक्र कहिथांती किंतु अर्थ बुझी नाहांती। 84 परिवर्ते 84 लक्ष जन्म कहि देउछंती। माया भूल करै देउछि। एही कथा एबे तुमे बुझुछ, पुणी त एहा सबु तुमे भूली जीव। एही समय रे सर्वप्राप्ति करुछ ओ सत्य जुगरे राजत्व करुछ। किंतु देवी देवता मानंकु ए कथा जणा पड़े नाही जे एही राजत्व आमको किए देले। लक्ष्मी नारायणंक राज्य केबे थिला? स्वर्गर सुखर गायन मध्य हेउची। बाबा तो सबु प्रकारर सुख देउछंती। एहा थारु अधिक कौनसी सुख नाही। पुणी सेही सुख मध्य प्राय लोप होई जाए। अधा कल्प परे रावण आसी सबु सुख छड़ेई नहीं थाए। जदि केही कहा उपरे क्रोध करे ए कथा कुहा जाए तोर बुद्धि विवेक ही समाप्त होई गलाणी। तुम्हें माने मध्य जेउ भली सर्वगुण संपन्न सोळ कला संपूर्ण थिल सेही कला समाप्त होई गलाणी। एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ कहारि भी एते महिमा नाही। कुहा जाए ना पैसा थिले लाडकान, माने पाकिस्तान रो गोटिए दर्शनीय स्थान होची लाडकान। कहा जाए थाए पैसा थिले लाडकान बोली आस। तुमे विचार कर जे स्वर्गर केते असरंती धन संपत्ति थिला, एबे कौन से सबु अच्छी? सबु किछि गुप्त होई जाइछि। जेहेतु सेमाने धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट होई जाइथांती तेणु धन संपत्ति मध्य सबु समाप्त होई जाए। तळकु खसिबाकु लागंती। बाबा कहउछंती तुमकु एते धन देइथिली, तुमकु हीरा भळी मध्य करिथिली, पुणी
तुम्हें सबु धन संपत्ति कौन कल एवं पुणी बाबा कहते जे निजर संपत्ति को निजे पुरुषार्थ कर नहीं जाओ। तुम्हें जाणिछ जे बाबा आमको पुणी स्वर्गर बादशाही देउछंती एवं कहउछंती हे पिला माने मते मने पकाओ तेबे तुम उपरे जो कलंकी लागिछि ताहा छाड़ी जीव। पिला माने कहउछंती बाबा आमे भूली जाइछु एहा किपरी कथा। कन्या जेतेबेले विवाह करिथाए तेबे सिए कौन पति को केबे भूली जाए कि पिला माने केबे तांकर पितांकु भूली जानते कि बाबा तो दाता अटंती जेहेतु पिला मानंकु संपत्ति नेबार अच्छी तेणु निश्चित मने पकाइबाकु हेबो। बाबा बुझौछंती मधुर संतान माने जदि बाबांक श्रुति रे रहिबो तेबे विकर्म विनाश हेबो एहा बिना आउ कौनसी उपाय नाही। भक्ति मार्ग रे तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जहाँ किछि करि आसीछ ताहा द्वारा सीढ़ीर तलकु ही खसी खसी आसीछ स्थिति उन्नति हेबार नियम नाही। समस्तंकर खसिबार कला ही निर्धारित होइछि सेमाने जहाँ कहिथांती जे अमुक मुक्ति पाइगला किंतु सेमाने मिथ्या कहिथांती केही भी ड्रामा मझीरे फेरी जाई पारिबे नाही। बाबा आसिछंती तुम कुशल कला संपूर्ण करिबा पाई तुमे ही गाउथिलो जे मो भली गुणहीन भितरे कौनसी भी गुण नाही एबे तुमे जानुछ जे बाबा आसी गुणवान करुछंती आमे माने ही गुणवान पूज्य थिलु आमे ही संपत्ति नहीं थिले जहाँ कि 5000 वर्ष होइगलाणी। बाबा मध्य कहुछंती जे मु तुमको संपत्ति दे जाइथिली शिवजयंती रक्षाबंधन दशहरा आदि पर्व पालन करुछंती किंतु से विषय रे किछि जानि नाहंती सबु किछि भूली जाइछंती। पुणी बाबा आसी मने पकाइ देउछंती तुमे माने ही मालिक थिलो पुणी तुमे माने ही राज्य भाग्य हराइछ। बाबा बुझौछंती एबे एही सारा दुनिया पुरुणा जिन्नसिन्न अटे दुनिया तो गोटिए एही भारत नुआ थिला एबे पुरुणा होई जाइछि स्वर्गरे सर्वदा सुख रही थाए पुणी द्वापर ठारु जेतेबेले दुख आरंभ हुए सेतेबेले एही सबु वेदशास्त्र आदि तयारी हुए। भक्ति करी करी जेतेबेले भक्ति पूर्ण हेबो तेबे तो भगवान आसीबे ना। ब्रह्मांकर दिन ब्रह्मांकर राति अधा अधा होइथिबो ना। ज्ञान हेला दिन भक्ति हेला राति सेमाने तो कल्पर आयुष ओलटा पोलटा करि देइछंती। प्रथमे तुमे समस्तंकु बाबांकर महिमा सुनाओ। बाबा ज्ञानर सागर शांतिर सागर अटंती कृष्णंकु कण कहि पारिबा जे निराकार पतित पावन सुखर सागर नुहे तांकर महिमा ही अलगा। राति दिनर फरक अछि शिवंकु ही बाबा कहिथांती कृष्ण बाबा अक्षर शोभा पाउनाही। एहा केते बड़ भूल पुणी छोट छोट भूल करी करी बाबांकु 100% भूली गलेणी। बाबा कहउछंती सन्यासी मानंकर ठारु केबे हेले एही सौदा करी पारिबो नाही सेमाने निवृत्ति मार्ग रही अटंती तुमे हेलो प्रवृत्ति मार्गी तुमे माने संपूर्ण निर्विकारी थिलो निर्विकारी दुनिया थिला एहा हेला विकारी दुनिया। कहउछंती सत्य जुगरे कौन संतान जन्म हुवंती नाही सेठारे मध्य विकार थिला ना। अरे सीए तो हेला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया संपूर्ण निर्विकारी देवता पुणी विकारी किपरि होई पारिबे सत्ययुगरे एते सब मनुष्य रहिबे एहा किपरि संभव सेठारे कौन एते मनुष्य थांते सेतेबेले भारत व्यतीत आउ कौनसी राष्ट्र नथिबो। तेणु सेमाने कहुछंती आमे एही कथा ग्रहण करिपारु नाहुं। दुनिया तो सदा सर्वदा भरपूर होई रही थाए
किछि भी बुझी पारु नाहंती बाबा बुझाउछंती जे भारत सुवर्ण युग थिला एबे त कली युग समस्ते पत्थर बुद्धि अटंती एबे तुमे पिला माने ड्रामा को बुझी गलणी गांधी इत्यादि समस्ते रामराज्य चाहूथिले किंतु संभव हेला नाही। शास्त्र रे वर्णना अछि महाभारत लड़ई लागिला खेल समाप्त पुणी तापरे कौन हेला किछि भी देखाई नाहंती बाबा आसी एही कथा बुझौछंती एहा तो बिल्कुल सहज अटे पुणी शिव जयंती पालन करुछंती तेबे निश्चित शिव बाबा आसुछंती सी हेले स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता तेणु निश्चित स्वर्गर गेट खोलिबा पाई आसीबे आसीबे मध्य सेतेबेले जेतेबेले नरक दुनिया थिबो हेवेन्स रो द्वार खोली हेल द्वार बंद करिदेबे जदि हेवेन रो खोली जिबो तेबे निश्चित समस्ते हेवेन को ही आसीबे एही सब कथा को बुझिबा गुणसी कष्टकर कथा नुहे सबु महिमा केवल एका बाबांकर ही अटे शिव बाबांकर गोटिए मात्र दुकान सी हेले बेहदर पिता बेहदर बाबांक द्वारा भारत को स्वर्गर सुख मिलुछि बेहदर पिता स्वर्गर स्थापना करुछन्ति निश्चित भावरे स्वर्गरे बेहदर सुख थिला तेबे आमे पुणी नरकरे काहीकि पड़िछु ए कथा केही भी जाणि नाहंती बाबा बुझौछंती जे तुमे माने ही थिलो पुणे तुमे माने ही तळकु खसी आसीछ देवता मानंकु ही 84 जन्म नेबाकु पड़ी थाए एबे पुणे सेही माने ही पतित होई जाइछंती सेही मानंकु ही पुणे पवित्र हेबार अछि जे परी बाबांकर मध्य जन्म अछि सेही परी रावण मध्य जन्म होई थाए ए कथा काहाकु भी जणा नाही जदि काहाकु पचार जे रावण को केबे थारु जळाउछ तेबे कहिबे ताहा तो अनादिकाल रु चली आसीछि एही सब रहस्य बाबा ही बुझौछंती सेही एकमात्र बाबांकर दोकानर महिमा रहिछि सुख शांति पवित्रता मनुष्यक थारु मनुष्यंकु मिलि पारिबो नाही केवल जणंकु कौन शांति मिलिबो ए कथा मिथ्या कहुचंती जे अमुकंक ठारु शांति मिलिला शांति तो मिलिबो शांति धामरे एठारे जणे जदि शांति रे थिबो एवं अन्य जणे तांकु अशांत करिबे तेबे से शांति रे तो रही पारिबे नाही सुख शांति पवित्रता एही सबु जिनिसर व्यवसायी एकमात्र शिव बाबा अटंती बाबांक सह केही आसी एही दिव्य अलौकिक व्यवसाय करंतु तांकु ही कुहा जाउछि सौदागर पवित्रता र सागर सुख र सागर शांति संपत्ति र सागर सबो किछि तांको पाखरे अछि अप्राप्त कोनोसी वस्तु नाही स्वर्गर राज्य तुमे प्राप्त करुछ बाबा तो देबा पई आसीछंती किंतु नेलावाला थकी जाउछंती मु केवल देबा पई ही आसुची तुमे नेबारे थंडा पड़ी जाउछ पिला माने कहउछंती बाबा मायार तोफान आसुची हाँ पद मध्य बहुत उच्च पाइबार अछि स्वर्गर मालिक हेउछ एहा कोन कम कथा मेहनत तो करिबाकु हेब सेथि पई श्रीमत पालन कर जहाँ सब जिनिस मिलुची ताहा पुणी अन्य मानकु मध्य देबाकु पड़िबो दान मध्य करिबाकु पड़िबो जदि पवित्र हेबार अछि तेबे पांच विकारर दान निश्चित करिबाकु हेबो मेहनत करिबाकु पड़िबो बाबांकु याद करिबाकु हेबो तेबे जाई कलंकी छाड़िबो मुख्य हेला बाबांको स्मृति भले प्रतिज्ञा कर जे बाबा मु केबे हेले विकारग्रस्त हेबी नाही कहा उपरे क्रोध करिबी नाही किंतु निश्चित जोगयुक्त रहिबाकु हेबो नचेत जन्म जन्मर पाप किपरि विनाश हेबो
बाकी ज्ञान तो बहुत सहज, 84 जन्मर चक्र किपरि लगाइछ एक कथा काहाकु भी तुम्हें बुझेई पारिब। जोगर यात्रा रे मेहनत अच्छी, भारतर प्राचीन जोग बहुत प्रसिद्ध, तेबे ज्ञान कौन देउछंती? मन मना भव अर्थात केवल मते मने पकाओ, ताहेले तुमर विकर्म विनाश हेब। तुम्हें गायन मध्य करुथिल जे आपण जेतेबेले आसिबे तेबे अन्य सबु संघ छाड़ी एका आपणकर संगरे ही संग जोड़ीबी, आपणक प्रति ही समर्पण होइजीबी, आपणक बिना आउ काहाकु मने पकेइबी नाही। जदि प्रतिज्ञा करिछ तेबे भूली जाउछ काहेकि? कहुछंती मध्य हाते काम हृदय राम, तुम्हें तो कर्मजोगी अट, व्यवसाय आदि करी बुद्धि जोग बाबांक सहित लगाइबाकु हेब। प्रेमिक बाबा निजे कहुछंती तुम्हें प्रेमिका माने अधाकल्प मने पकाइछ, एबे मु आसीछि तेणु मते मने पकाओ। एही याद को ही बारंबार भूली जाउछ, एथिरे ही मेहनत रहिछि। जदि कर्मातीत अवस्था होइजिब तेबे एही शरीर को छाड़िबाकु ही पड़िब। जेतेबेले राजधानी स्थापन होइजिब तेबे जाई तुम्हें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिब। एबे तो समस्ते पुरुषार्थी अटंती, मम्मा बाबा सबुठारु अधिक मने पकाउछंती, सूक्ष्म बतन रे मध्य एहा देखिबाकु मिलुछि। बाबा बुझौछंती मु जहांक मध्यरे प्रवेश करुछि सिए बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे अछंती, सिए मध्य पुरुषार्थ करुछंती, कर्मातीत अवस्था रे एबे केही पहुंची पारिबे नाही। जदि कर्मातीत अवस्था आसी जाए तेबे पुणी एही शरीर रहिबो नाही। बाबा तो बहुत भल भावरे बुझौछंती, तेबे बुझिला बालांकर बुद्धि उपरे निर्भर करे। स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता जणे ही अटंती, तांको पाखरे ही ज्ञानर समस्त सामग्री अच्छी, से ही जादूगर अटंती। आउ काहाठारु सुख शांति पवित्रतार संपत्ति मिली पारिबो नाही। बाबा बहुत भल भावरे बुझौछंती, पिलामानंकु निजे धारण करी अन्यमानंकु धारण करैबाकु हेब। ज्ञान को जे जेते धारण करुछंती सेते संपत्ति नेउछंती। दिन को दिन तुमको बहुत गुह्य ज्ञान मिलुछि। लक्ष्मी नारायण को देख केते दिव्यतापूर्ण, तेणु तांको भली मधुर और दिव्य हेबा उचित। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार, एक नंबर पॉइंट, बाबांक द्वारा जो सुख शांति पवित्रता रूपक सामग्री मिली ताहा समस्तंकु देबार देबाकु हेबो। प्रथमे विकार गुड़िकर दान देई पवित्र हेबाकु पड़िब, तापरे अविनाशी ज्ञानधनर दान करिबाकु हेब। दुई नंबर पॉइंट हैला देवता मानंक भली मधुर हेबाकु पड़िब। बाप दादांक सहित जेउ प्रतिज्ञा करिछ ताकु सर्वदा मने रखिबाकु हेब, एवं बाबांकर स्मृतिरे रही विकर्म को मध्य विनाश करिबाकु हेब। आजिर वरदान हैला निज प्रति बा सर्व आत्मांक प्रति विधिपूर्वक व्यवहार करुथिबा विधि निर्माता तथा नव विश्व निर्माता हुओ। आजिर वरदानर विस्तार हैला जेउ माने निज को ईश्वरीय नियम मर्यादा मुताबक चलौछंती सेमाने अन्य मानंकु मध्य नियम प्रमाण अर्थात विधिपूर्वक चलाई पारिबे। जेउ माने निजे ईश्वरीय नियम मर्यादा को भंग करुछंती सेमाने अन्य मानंक नियम मर्यादार शिक्षा देई पारिबे नाही। सेथि पई प्रथमे
निजे निजकु देख जे सकाळु रात्रि पर्यंत मनर संकल्पे बाणीरे संपर्करे बा परस्परकु सहयोग देबारे बा सेवारे मर्यादार उल्लंघन हेउनाही त जेउ माने ईश्वरीय विधिर निर्माता अटंती से माने केबे हेले विधि को भंग करि पारिबे नाही। तेबे जेउ माने वर्तमान समय रे विधि निर्माता हेउछंती सेही माने ही शांतिर निर्माता एवं नवविश्व निर्माण हेउछंती। आजिर स्लोगान हेला कर्म करुथिले मध्य कर्मर भलबा मंद प्रभावरे प्रभावित न हेबा ही कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति।